हे नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं फायरबोल्ट के अपकमिंग स्मार्ट वॉच के बारे में, जो है यहाँ पर फायरबोल्ट टॉक। और ये वाला जो स्मार्ट वॉच है ब्लूटूथ कॉलिंग के फंक्शन के साथ आने वाला है। फायरबोल्ट ने जो है अपने रिसेंटली ही दो स्मार्ट वॉच लॉन्च किए थे, जो था यहाँ पर फायरबोल्ट बीस्ट और फायरबोल्ट 360। फायरबोल्ट 360 स्मार्ट वॉच का जो है इनडेप्थ रिव्यू भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। तो आज के वीडियो में जो हम यहाँ पर फायरबोल्ट टॉक के फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में भी जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एक न्यू स्मार्ट वॉच परचेस करने का सोच रहे हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप जो हमारा चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको डेली टॉप प्रोडक्ट बेस्ट डील्स और ऑफर्स वगैरह बताता रहता हूं। तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। तो फायरबोल्ट का जो अपकमिंग स्मार्ट वॉच है उसका जो नाम रखा गया है वो यहाँ पर फायरबोल्ट टॉक, और ये जो है फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पर लिस्टेड हो चुका है और फ्लिपकार्ट पर ही लॉन्च होने वाला है। सबसे पहले अगर इस स्मार्ट वॉच के डिजाइन के बारे में बात करें तो काफी अच्छा आपको यहाँ पर डिजाइन दिया गया है। फायरबोल्ट 360 में जो आपको डिजाइन दिया गया था सेम उसी टाइप का आपको यहाँ पर डिजाइन दिया गया है। वॉच जो यहाँ पर राउंड डिस्प्ले के साथ आने वाला है, और यहाँ पर भी जो है मेटल बॉडी का यूज किया है। अगर आपको पता होगा फायरबोल्ट 360 स्मार्ट वॉच में भी जो है मेटल बॉडी का यूज किया था, तो इसमें भी जो है मेटल बॉडी का ही यूज किया गया है। तो काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी आपको देखने को मिलने वाली है वॉच में, और वॉच जो यहाँ पर काफी लाइट फिट भी है। 60 ग्राम्स का जो इन्होंने मेंशन किया है, वॉच का जो वेट है वो 60 ग्राम्स है। और यहाँ जो वॉच है तीन कलर ऑप्शन में अवेलेबल होने वाला है, जो यहाँ पर ब्लैक ग्रे और ग्रीन है। तो तीन कलर ऑप्शन में जो है ये वाला स्मार्ट वॉच लॉन्च होने वाला है। नेक्स्ट अगर इस वॉच के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है 44mm 3D HD डिस्प्ले। अगर हम यहाँ पर 44mm को इंचेस में कन्वर्ट करें तो अप्रोक्सीमेटली आपको 1.5 इंच तक का जो है डिस्प्ले इसमें देखने को मिल सकता है। और इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है 3D HD डिस्प्ले, इसका तो मुझे उतना समझ में नहीं आया 3D क्यों इन्होंने मेंशन किया है। शायद से जो स्मार्ट वॉच है यहाँ पर 3D कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला है, जैसे कि नॉइस और बोट के स्मार्ट वॉचेस होते हैं 2.5D कर्व डिस्प्ले के साथ आते हैं। तो शायद से ये वाला जो स्मार्ट वॉच है 3D कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला है, बट ये कन्फर्म नहीं है। और बात करें तो इस वॉच का जो मेन्यू का स्टाइल है वो काफी हद तक जो है सेम है फायरबोल्ट बीस्ट। अगर आपको पता होगा तो उसमें जिस तरह का मेन्यू का स्टाइल दिया गया था सेम उसी तरह का मेन्यू स्टाइल इसमें भी आपको दिया गया है, जो कि काफी हद तक सिमिलर है एप्पल वॉच के मेन्यू से। और इस वॉच में आपको मल्टीपल वॉच फेसेस के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वॉच फेसेस आप यूज कर पाओगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 10 डेज का बैटरी लाइफ मिल जाएगा नॉर्मल यूज पर, और 5 डेज का आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगा अगर आप वॉच को हैवी यूज करते हो, कॉल्स वगैरह के लिए यूज करते हो, तो भी आपको यहाँ पर 5 दिन तक का बैटरी लाइफ इसमें मिल जाएगा। तो बैटरी लाइफ के मामले में जो स्मार्ट वॉच काफी अच्छे होने वाला है, और इसमें आपको 30 डेज का स्टैंड बाय भी दिया गया है, तो बैटरी लाइफ जो है बढ़िया होने वाला है वॉच का। नेक्स्ट अगर हम कुछ फिटनेस रिलेटेड फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें 8 डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, जो यहाँ पर वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और स्विमिंग। तो ये 8 डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड आपको इसमें दिए गए हैं, जो कि आप अपने एक्टिविटी के हिसाब से यूज कर पाओगे। और बात करें तो इसमें आपको 24/7 हार्ट रेट मॉनिटर सेंसर भी दिया गया है, SpO2 भी मिल जाता है जो कि आपके ब्लड ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करता है। और इस वॉच में आपको यहाँ पर ब्लड प्रेशर मॉनिटर का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन कुछ फीचर्स मिसिंग है, जैसे कि इसमें आपको GPS का ऑप्शन नहीं मिलता, इनबिल्ट GPS नहीं दिया गया है, और ना ही इस वॉच में आपको स्ट्रेस मॉनिटर का ऑप्शन मिलता है। वैसे भी जितने भी फायरबोल्ट के स्मार्ट वॉच है उनमें आपको स्ट्रेस मॉनिटर का ऑप्शन नहीं दिया गया है। फायरबोल्ट के स्मार्ट वॉच में जो आपको ज्यादातर यहाँ पर ब्लड प्रेशर मॉनिटर ही मिलता है, लेकिन स्ट्रेस मॉनिटर का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता, तो इसमें भी आपको जो है स्ट्रेस मॉनिटर का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और बात करें सबसे मेन फीचर की, तो ये वाला वॉच यहाँ पर ब्लूटूथ कॉलिंग के फीचर के साथ आने वाला है, जिसकी मदद से जो है आप डायरेक्टली कॉल्स पर बात कर सकते हैं वॉच के थ्रू, और वॉच से जो है आप कॉल्स वगैरह भी कर पाओगे। और वॉच में जो आप यहाँ पर कॉल हिस्ट्री वगैरह भी चेक कर पाओगे, अगर आप इसे मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हो वॉच को, तो आपका जो भी जो है कॉन्टैक्ट रिलेटेड डाटा है वो सभी आप वॉच में चेक कर सकते हो। और वॉच के थ्रू आप नंबर वगैरह भी डायल कर सकते हो, डायरेक्टली कॉल वगैरह भी कर सकते हो वॉच के थ्रू ही। तो ये वाला फीचर जो है काफी बढ़िया है वॉच जो यहाँ पर ब्लूटूथ कॉलिंग के फंक्शन के साथ आने वाला है। और बात करें तो इसमें आपको सभी टाइप के नोटिफिकेशन भी मिल जाते हैं, जो जो भी नोटिफिकेशन आपके फोन में आते हो सभी नोटिफिकेशन आपको वॉच में भी मिल जाएंगे। बट अभी ये कंफर्म नहीं है कि आप नोटिफिकेशन का रिप्लाई दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। अगर नोटिफिकेशन का रिप्लाई देने का भी ऑप्शन आ जाता है तो वॉच जो है काफी बढ़िया होने वाला है मेरे हिसाब से तो। बट ये अभी कंफर्म नहीं है कि आप यहाँ पर मैसेजेस का भी जो है रिप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे वॉच के थ्रू। और कुछ फीचर्स की बात कर ले तो वॉच के थ्रू यहाँ पर म्यूजिक और कैमरा भी कंट्रोल कर पाओगे। और ये वाला जो वॉच होने वाला है IPX7 वाटरप्रूफ होने वाला है। तो ये थे दोस्तों वॉच के कंप्लीट स्पेक्स। अगर वॉच के लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो इसका लॉन्च डेट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, कमिंग सून दिखा रहा है अभी फ्लिपकार्ट पर लॉन्च होने वाला है स्मार्ट वॉच। जैसे ही जो यहाँ पर फायरबोल्ट जो है इसका लॉन्चिंग डेट वगैरह कंफर्म करता है तो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।
और लास्ट में अगर इस वॉच के प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बट वॉच जो है अराउंड आपको 5,000 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है। क्योंकि ले फायरबोल्ट के अभी तक जितने भी स्मार्ट वॉच लॉन्च हुए सभी जो है 4,000 रुपये के अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं, तो शायद से इसका जो प्राइस है वो 5,000 रुपये के आसपास हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर वॉच के बारे में बात करें तो स्मार्ट वॉच जो है यहाँ पर काफी जो फीचर के साथ आने वाला है, ब्लूटूथ कॉलिंग का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, बैटरी लाइफ भी जो है वॉच का बढ़िया होने वाला है। तो जैसे ही जो वॉच लॉन्च हो जाता है तो मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा वॉच को परचेस करके रिव्यू करने का आप सभी के लिए। तो बस यही था दोस्तों आज का वीडियो, अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो, होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना।